नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। अफ्रीकी देश सूडान में गृहयुद्ध संकट में फंसे भारतीय नागरिकों की हुई अपने घर से कुशल वापसी। रोटी कपड़ा और मकान के लिए अफ्रीकी देश सूडान में गए भारतीय नागरिकों की हुई दुर्गति। विदेशियों ने सब कुछ छीना। भारत सरकार के अथक प्रयास से सिर्फ पहने हुए कपड़ों में घर वापस आए, बच गई भारतीय नागरिकों की जान। इनमें बस्ती और गोरखपुर मंडल के 31 नागरिक शामिल हैं जो सूडान गृहयुद्ध में फंसे थे। आज हुई घर वापसी। वापस आए लोगों का कहना है कि कुछ दिन और फंसे रहते तो भूखों मर जाते। स्वदेश वापसी पर लगाए मोदी योगी के नारे और अधिकारियों ने माला पहनाकर किया भव्य स्वागत। सरकारी सुविधा में पहुंचे घर वापस। नेशनल हेड चंदकन पांडे की खास रिपोर्ट। बहुत अच्छा रहा। हाँ, घूमपर से जब खार्तूम से हम लोग चले तो वहाँ पे हमारा कंपनी का सबसे बड़ा योगदान रहा। जो कंपनी हमारा रेस गाड़ियों ओमेगा स्टील प्लांट के सुबह में जो खार्तूम लगा हुआ है, 30 गाड़ियों का करीब करीब पेट्रोल दिया है, डीजल दिया है। उसके बाद से वहाँ से हम लोग निकले हैं। किराए तो यहाँ पे पोर्ट सूडान में हम लोगों को मतलब शिप द्वारा लाया गया सब्जी के लिए। कुछ आदमी को शिप द्वारा, कुछ आदमी को जैसे मतलब सुविधा मिलता गया ऐसे आदमियों को वहाँ से निकालते गए। इंडियन ने भी वहाँ पर मतलब शिप में हम लोगों को बहुत सुरक्षा दिया है। उसके बाद से यहाँ पर सऊदी में जिद्दा पे एयरपोर्ट पे भी हम लोगों को मतलब एक इंडियन पब्लिक इंटरनेशनल कॉलेज था, उसमें हम लोग रखे थे। खाना का भी व्यवस्था वहाँ पे बहुत अच्छा से मतलब स्वागत हुआ वहाँ पे। उसके बाद सऊदी मतलब आपका संतोष चौरसिया कहाँ कर रहा है देवरिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।